आई दिवाली रे दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे दीप जलाओ खुशी मनाओ मैं हूँ सोनू, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको मेरी प्यारी सहेली मोनू से मिलवाने वाली हूँ। आपको देखना है मेरी सहेली कौन है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोनू। बहुत बढ़िया लग रही हो। भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो मुझे बताओ, इस बार तुम दिवाली में क्या खास करने वाली हो? इस बार मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारी मिठाई और पटाखे दिलाए हैं मुझे। मैं बहुत सारे पटाखे जलाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात कहूँ मोनू, पटाखे जलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे सुंदर पर्यावरण को बहुत सारी हानि होती है। अरे ये क्या बात हुई बोला, दिवाली तो है ही पटाखों और दीयों का त्योहार, पटाखे नहीं जलाएंगे तो मजा कैसे आएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि दिवाली के पटाखों की वजह से हमारे पर्यावरण को क्या क्या हानि होती है। ओके चलो। ये देखो, ये है एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन मतलब पटाखे जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो हमारी शुद्ध हवा में मिक्स हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और जानवरों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हर जगह धुआं ही धुआं होता है और इससे बहुत परेशानी बढ़ जाती है। नॉइज पोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ मोनू, कि अगर जगह जगह शोर होगा तो क्या हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे? पटाखों की आवाजों की वजह से बहुत सारे प्राणी और जीव जंतु डर जाते हैं। ढेर सारा आवाज होता है जिसकी वजह से बात करने में कठिनाई होती है और बच्चे भी डर जाते हैं। एनिमल्स गेट हर्ट एंड स्केयर्ड। अभी हमें एक बात बताओ कि पटाखों की आवाजों की वजह से तो बड़े बड़े भी डर जाते हैं, तो कभी सोचा है कि प्राणियों की क्या हालत होती होगी? इसकी वजह से प्राणी डर जाते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ होती है, और पटाखे चलाते वक्त अगर हमें चोट लग गई तो हमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। से नो टू क्रैकर्स। मोनू, क्यों ना हम इस बार ऐसी दिवाली मनाएं जिसमें हम पटाखे नहीं जलाएंगे? क्यों ना हम इस बार हमारी खुशियाँ उन बच्चों के साथ बांटे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम कितने खुशनसीब है कि हमारे पास हमें प्यार करने वाले और ढेर सारी ख्वाहिशें पूरे करने वाला एक प्यारा परिवार है, माता पिता है और ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम अपने हिस्से की खुशियाँ उनके साथ बांटें? क्या कहती हो? सही कह रही हो सोनू। इस बार मैं दिवाली पटाखों से नहीं, दियों से और सबके साथ मनाऊंगी। जिनको मम्मी पापा नहीं है, जो गरीब है, उनके साथ मनाऊंगी। वेरी गुड। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।